स्किन को ग्लोइंग एंड खूबसूरत बनाने के लिए आपको चाहिए होता है वेजिटेबल जूस। तो आप अगर वेजिटेबल जूस पीते हो तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके स्किन को ग्लो करता है, अंदर से निकालता है एंड आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। बट ये पेट के लिए बहुत हैवी होता है, तो एक दिन एक छोड़ के आप एक दिन पी सकते हो। डेली पीने में हो सकता है कि पेट में थोड़ी दिक्कत आ जाए, बट एक बता रही बहुत ही अच्छा। हाय गाइस, इससे पहले मैंने बताया था क्लींजिंग मिल्क को कैसे अप्लाई करते हैं एंड आप अपने स्किन को कैसे हेल्दी सॉफ्ट स्मूथ एंड यंग दिखा सकते हैं, उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा मसाज स्टेप लेके आ गई हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो नई नई वीडियो आती है ना, नोटिफिकेशन पे सबसे पहले आपको शो हो और आप मेरा वीडियो देख पाओ। तो बताती हूँ किस तरीके से आपको मसाज करना है। जब भी आप अपने फेस का मसाज करते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आपके फेस को हमेशा अपर डायरेक्शन में मसाज करना है। अपर डायरेक्शन में मसाज करने से क्या होगा, हमारी एजिंग क्यों आती है, क्योंकि हमारा स्किन लटक जाता है, रिंकल्स फाइन लाइंस वगैरह दिखने लग जाती है, तो हमारी स्किन पे एजिंग दिखने लग जाता है। आप बढ़िया सा कोई मसाज क्रीम लीजिए, मसाज क्रीम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, नारियल का तेल तो सबके पास मिल जाता है तो नारियल का तेल ले लीजिए, उसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर लीजिए एंड अपने फेस पे डेली मसाज करना है। किस तरीके से करना है वो बता रही हूँ। और ये मसाज अगर आप नाइट पे करते हो तो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो आपको क्रीम को लेना है एंड इस तरीके से मसाज करना है। पहले पूरे फेस पे ऑयल फैला लीजिए, देन इस तरीके से गालों पे पहले इस तरीके से मसाज करेंगे, तो मैं यहाँ पे मुझे बाहर जाना है शॉपिंग के लिए थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन से ही मसाज करके आपको दिखा दे रही हूँ। वैसे तो सनस्क्रीन लगा के छोड़ देना चाहिए, मसाज करने की जरूरत नहीं होती है, बट मैं करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा हाथ अपना मूवमेंट अच्छे से कर पाए और आपको समझ में आए। अगर इतना फास्ट नहीं कर सकते तो बस ऐसे ऐसे करो। यहाँ पे हमारी अक्सर लाइन आती है तो इसको अपर डायरेक्शन में, यहाँ पे हमारी लाइन आती है तो इसको आईज के यहाँ पे हमारा अक्सर आपने देखा होगा बूढ़े लोगों का ज़्यादातर इस तरीके से, मतलब जिनकी एजिंग हो जाती है सॉरी, सो इस तरीके से बहुत लाइनिंग पड़ती है इस तरीके से करने पे। तो यहाँ पे आपको डेली इस तरीके से मसाज देना है। नोज पे ध्यान से देखिएगा और सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमारे इस तरीके से सारे मसाज जो हमारे स्टेप है वो ऊपर की तरफ ही जाते हैं। अब बारी आती है आईब्रोज की। आईब्रो हमारी नीचे को झुकी रहे तो अच्छी तो नहीं लगती ना, तो अगर आप इसको उठाना चाहते हो, आपका नीचे की तरफ नहीं मतलब अच्छे से उठा हुआ आईब्रो नहीं है तो आप इस तरीके से मसाज कीजिए आईब्रो पे। डेली करोगे तो आप देखोगे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस तरीके से आप डेली मसाज करते हो तो आपको रिजल्ट एक हफ्ते में मिलेगा। आप कोकोनट ऑयल और विटामिन ए की कैप्सूल बेस्ट है इस मसाज के लिए एंड आपके स्किन को ग्लोइंग एंड एजिंग से रिमूव करने के लिए और रिंकल्स से। और आप मसाज कीजिए, एक हफ्ते बाद मुझे मैसेज जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि और भी इस तरीके की वीडियोज मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। मसाज के साथ साथ आपको प्रेशर पॉइंट देना, आपको अंतर अभी दिख रहा होगा आईब्रोज में, प्रेशर पॉइंट जरूर देना चाहिए। यहाँ पे हमारे एक पॉइंट होता है, आप फिंगर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पता चलेगा यहाँ पे धक धक थोड़ी सी फील होगी आपको, बस वही जो धक धक है वही आपका प्रेशर पॉइंट बटन है, उसको दबा के आपको 2 से 4 मिनट तक रखना है, जिससे कि आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका जो ग्लो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। जिनको सांस की प्रॉब्लम हो उनको थोड़ा छोड़ छोड़ के 2-4 बार में देना है, ओके, देना तो सबको है,
क्योंकि ग्लो तो चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन तो सबके फेस पे चाहिए। तो इस तरीके से ये फेशियल स्टेप नहीं है, ओनली फॉर मसाज है, जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। ओके, फेशियल स्टेप की वीडियो अलग से डाल दूंगी मैं, अभी मैं बता ही रही हूँ फेशियल के बारे में ही, स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे वीडियोज जा रही हैं। ये मैंने बीच में क्लींजिंग मिल के बाद ये वाला वीडियो डाल दिया, ताकि आजकल सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से एजिंग वगैरह के ध्यान नहीं दे पाते अपनी स्किन पे, तो ये वीडियो उनके लिए है। पूरा एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, सारा स्टेप अच्छे से देना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। नोज मसाज के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, तो आज की वीडियो में वो भी देखने को मिल गया होगा आप लोग को। लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से थपथपा देना है, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, और रात भर आपके ऑयल को आपके फेस पे लगे रहने देना है और सो जाना है। सुबह आप देखोगे बहुत ही अच्छा ग्लो आपके स्किन पे देखने को मिलेगा, और डेली करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको बताते बताते मेरा सारा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया, तो मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी एंड मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो ये सनस्क्रीन थोड़ी आंखों में लगती है, तो बच के लगाइएगा। आप देख सकते हो आंख मेरी जो है वो रेड हो गई है। क्योंकि मैंने सनस्क्रीन लगाया था तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो आई होप कि आपको आज की जानकारी जो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड जिनको भी आप जानते हो उनके साथ, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टाइप का ड्रेस देखने के लिए, सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, प्रीत तिवारी 2 चैनल का नेम है, जिस पर मैं सिलाई से रिलेटेड और वीडियोज डालते रहती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा घेर आया है इसमें, तो जाके देख लीजिएगा और जरूर सीखिएगा सिलाई से रिलेटेड काम भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।